समेत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश गर्ग को क्या होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, या फिर 2 रुपए का मुनाफा ले लें? देखिए, इन जनरल सिनारियो में हमने शायद से इसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी होती थी, बट अभी जैसे लास्ट 2 दिनों से इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है वो नॉर्मल वॉल्यूम्स नहीं है, और स्टॉक में प्राइस वाइज भी अच्छा सर्ज आया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, एटलीस्ट पार्शल प्रॉफिट बुक कीजिए, और पार्शल प्रॉफिट बुक करने के बाद एक बैलेंस क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस रखिए 22 के आसपास, और स्टॉक को होल्ड कीजिए। उसके बाद 26-26.5 के एक इमीडिएट लेवल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्शल प्रॉफिट बुक करके बाकी में इनको का एक रिवाइज स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। आधा आप प्रॉफिट घर ले जाएं, यानी कि 5000 शेयर बेच दें, और 22 का स्टॉप लॉस रखें जो आपका प्राइस था, और बाकी स्टॉक्स आप होल्ड करें। बड़े दिनों बाद आइनॉक्स विंड पर सवाल आ रहा है। अंशुल गुप्ता ने पोजीशन ले रखी है, 200 शेयर है इनके हाथ में, 132.50 रूपये की पोजिशन है, क्या किया जाए? 126 पर है स्टॉक, लॉस में है ये। देखिए, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, अभी तक तो कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है या नहीं। फिलहाल एक छोटा स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, 123 जो आज का लो है, ये स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अगर ये ब्रेक होता है तो एग्जिट कीजिए, यहां से अगर रिकवरी आती है तो 135-140 के आसपास एक बार ये सोच सकते हैं एग्जिट करने के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह आइनॉक्स विंड की। मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं है, हल्का पुल बैक इफ इट ऑल आए तो आप एग्जिट कीजिए। चिराग भाई ने लिया हुआ है फ्यूचर कंज्यूमर 6860 के भाव पर, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 5000 क्वांटिटी है। आज फ्यूचर ग्रुप शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है, एक यू टर्न लिया एनकाउंटर्स ने। फिलहाल 65 का कॉस्ट आता है स्क्रीन पर, निचले लेवल से इसमें रिकवरी तो आ रही है, लेकिन इनका क्या भाव निकलेगा, प्रॉफिट बनेगा समेत? देखिए, ये बोलना डिफिकल्ट है क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी लास्ट 2-4 महीने अच्छी रैली दी है, और इम्पोर्टेंटली लास्ट 3 दिनों में ये स्टॉक 30% बढ़ चुका है। वॉल्यूम एक्टिविटी और प्राइस रिसेंट मोमेंटम देखें तो इनको बने रहना चाहिए, बट इनको यहाँ पे काफी ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है तो उनकी रिस्क भी उतनी ज्यादा हो सकती है। मैं इनको ज्यादा बड़ी रिस्क सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर ये स्टॉक 6350 के नीचे क्लोज होता है तो इसमें से एग्जिट कीजिए, और अगर वैसे नहीं होता है तो बने रहिए स्टॉक में। 6870 नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं, अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है स्टॉक, डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल इसमें। तो 64 के नीचे बंद होता है तो एग्जिट करेंगे, अगर नहीं होता है तो होल्ड करेंगे। के लिए 79 के भाव पर अशोक लेलैंड पोजीशन है अंकित मकवाना के हाथ में, 50 शेयर हैं। समित, काफी फायदा इनके हाथ लग रहा है, आगे क्या लेवल्स रहेंगे? बने रहना चाहिए, काफी स्ट्रांग काउंटर है विद इन द स्पेस, और एक अच्छे खासे 6-8 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस इसने जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो उसने रेज्यूम की हुई है, तो हमें लगता है इसमें डेफिनेटली बने रही है। और यहां से अगर ये थोड़ा टाइम देते हैं कुछ 2-3 महीनों का, तो ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि 135-140 के लेवल्स के आसपास जा सकता है। मोंटी शर्मा पूछ रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज 2195 की खरीद है इनकी, आगे स्थिति देखने को मिलेगी? आज देखिए स्टॉक पिट रहा है, 2152 के लेवल्स पर आ चुका है। समेत कोई स्टॉप लॉस इनको ध्यान में रखना चाहिए, नुकसान तो है वैसे? देखिए, काफी वोलेटिलिटी थी आज मॉर्निंग से इसमें, ये स्टॉक न्यूज फ्लोज के चलते अच्छी रिकवरी आई है और सपोर्ट लेवल के आसपास ही आई है। 4-5 दिन पहले एक अपवर्ड गैप एरिया था, प्रिसाइसली वो गैप एरिया उसने फिल करके वहां से रिकवरी दी है, तो ये पॉजिटिव साइन है। एटलीस्ट बाउंस बैक के लिए हमें लगता है कि ये स्टॉक पॉइज्ड है। यहां से 2250-2300 तक के भी लेवल डॉक्टर रेड्डीज में दिख सकते हैं, तो 2050 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और ढेरों सवाल आ रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। जय शुक्ला ने सन फार्मा में शॉर्ट की पोजीशन होल्ड की है, 2469 पर ये शॉर्ट है। अमित, क्या सलाह होगी, बने रहें? देखिए, लास्ट 4-5 महीनों में जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन सन फार्मा में की है कोई भी लेवल पे उन्होंने मुनाफा कमाया है, बट अभी जैसे ये स्टॉक ने 440 लेवल से रिकवरी दी है, हमें नहीं लगता कि इसमें ज्यादा डाउनसाइड अभी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इनको 1-2 रुपए का लॉस हो रहा है, वहां पे एग्जिट कीजिए, अदरवाइज ये बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस अराउंड 476-477 का होगा। ओके, तो ये आपके लिए सलाह। समित, आपसे लेंगे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन आखिरी मैं आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए, ऑप्शन के जरिए क्या रणनीति हो, आज किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, अगले हफ्ते आपकी क्या रणनीति हो, इस सब पर हम बात करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपकी स्वागत।